हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नादिया। तो आपके लिए ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूं जो कि केले के मास्क की है। और बताऊं ये मास्क लगाने से हमारी स्किन को क्या क्या विटामिन्स मिलते हैं, हमारी स्किन के लिए शॉकिंग बेनिफिट्स हैं बनाना के। ये हमारी स्किन को फ्रिम एंड टाइट ग्लो तो करता ही है, उसके साथ साथ बहुत से अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं इसमें। इसका छिलका भी बहुत मुफीद होता है हमारी स्किन के लिए। आपने देखा होगा कि केला मीठा होता है, लेकिन जब हम इसको पील को टेस्ट करते हैं तो वो बहुत खट्टा सा और लाइक अ मेडिसिन होता है। ये एक बहुत मोटा ताज़ा केला था जो कि मैंने दो दिन फ्रिज में रखा। इसको इस तरह बहुत ज़्यादा पका हुआ मुझे चाहिए था इस तरह करने के लिए। तो जनाब, इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, जब हम लगाएंगे तो हमारी स्किन ग्लो होगी। और इसमें कौन कौन से विटामिन है, ज़बरदस्त विटामिन है जनाब, इसको ज़रूर लगाए। फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन हम बेकार समझ कर एक मिनट में इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। सो व्यूवर्स, मैंने केला ले लिया है और अब मैं इसको छीलकर इसका जो भी बहुत ज़्यादा पका हुआ हिस्सा है वो मुझे चाहिए है। इस तरह का केला मुझे चाहिए था जो बहुत पक जाता है तो उसकी जो सॉल्ट है वो चेंज हो जाता है, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसको पीसकर हमने इसका पेस्ट बना लेना है। बनाना एक बेहतरीन फ्रूट है हमारी बॉडी को पोटेशियम एंड फाइबर फ्राहम करने का। ये बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाना मास्क आर इंक्रीजिंग इन पॉपुलरिटी एज अ डाई रेमिडीज फॉर अ ऑफ डर्माटोलॉजिक इश्यूज। बनाना फेस मास्क हमारी स्किन को कुदरती हुस्न फ्राहम करता है। बनाना कैन हेल्प इंक्रीजिंग कोलेजन प्रोडक्शन, और ये हमारी स्किन को नेचुरल प्रोटीन मुहैया करता है जिससे हमारी स्किन हाइड्रेट एंड स्मूथ रहती है। माई बनाना फेस मास्क इज रेडी नाउ पेस्ट। तो इसी तरह ऑलमोस्ट जो हम करते हैं हर वीडियो में, अच्छी तरह अपने फेस को क्लींजिंग कर लेना है, साफ़ कर लेना है किसी भी अच्छे फेस वॉश से। देन हमने अप्लाई कर लेना है, फिंगर टिप से कर ले या किसी भी ब्रश से कर ले, जैसे भी आपका दिल करता है। तो जनाब, ये ग्लोइंग करेगा, हमारी स्किन को फ्रिम करेगा। आप इसके रिजल्ट देखना, नेचुरल ग्लोइंग फ्राहम करता है हमारी स्किन को, जिसको हम बेकार समझते हैं। आपने देखा होगा कि फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जब भी मैं गूगल खोलती हूँ, मुझे ज़रूर एक ना दो वीडियो नज़र आती हैं केले के मास्क की। तो हम समझते हैं कि कुछ भी नहीं है। इस तरह हमने अप्लाई करके इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छी तरह इसका जो मिनरल्स विटामिन्स हैं वो हमें मिल जाए। तो इसके बाद हमने इसको साफ़ कर लेना है, वही जैसे करते हैं। तो बहुत ही ठंडा, कूल और ग्लोइंग फेस आप खुद देखेंगे, हमें खुद महसूस होता है। केले में हमारी स्किन की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए जो विटामिन्स पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं पोटेशियम, विटामिन B6, विटामिन C। बनाना फेस मास्क फॉर ग्लोइंग स्किन बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छा है हमारी स्किन को ग्लो। बनाना आर रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच हेल्प्स टू फाइट फ्री रेडिकल्स इन द बॉडी। अप्लाइंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू योर स्किन में हेल्प प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्री रेडिकल्स डर्माकोलॉजिक। तो जनाब, ये मास्क लगाने से आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा शाइन एंड ग्लोइंग रहती है। बनाना मास्क फॉर एक्नी, और एक्नी को भी ख़त्म करती है, हमारी एक्नी के खिलाफ ये एक्शन लेती है और उसको ज़्यादा नहीं फैलने देती। तो जनाब, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हैं। इसी तरह लगाते रहें और प्यारी प्यारी ग्लोइंग स्किन हासिल करें बनाना के मास्क से, बिल्कुल फ्री। इसमें चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।